हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है वोल्वो की 460 स्टेपी। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि ड्राइवर का कंप्लेन है कि इसमें सिग्नल आ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें सिग्नल क्या आ रहा है। देखिए सिग्नल आ रहा है एयर सिस्टम माल फंक्शन का। इसमें जो एयर सिस्टम है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है फंक्शन का। कॉन्टैक्ट वर्कशॉप इमीडिएटली। तो आइए अब हम इसका APM कार्टेज वगैरह चेक करते हैं। कार्टेज वगैरह में देखते हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए कार्टेज की तरफ सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पे देखो कार्टेज में हमें कितना ज़्यादा वाटर का भरा हुआ मिला है। वाटर है, डस्ट है, उसके बाद हमें फ़िल्टर जो है, ये देखो फ़िल्टर में भी पूरा जो डस्ट वगैरह लगा हुआ है, ग्रीस वगैरह है। और उसके बाद ये जो रस्टिंग है पूरा जो इन्वायरमेंटल का, यहाँ पे कंप्रेसर कंप्रेस करके APM में देता है, वो सारा कुछ यहीं पर आगे जमा हुआ है। APM कार्टेज को अब हम निकाल रहे हैं। देखिए कार्टेज तो हमको सही मिल रहा है, देखने में साफ़ लग रहा है, बट क्या है ये मॉइस्चर की वजह से, ये बारिश में मॉइस्चर होता है एयर में, तो उसको क्लीन करते करते ना कार्टेज बहुत गीला हो गया है, एकदम बहुत ज़्यादा इसमें वाटर आ गया है। ये इस वजह से एयर सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे जो है ना वो कार्टेज हाउसिंग को हमने प्रॉपर वे में क्लीन कर लिया है, प्रॉपर एयर से जितना भी वाटर था और जितना भी डस्ट वगैरह था सबको हमने क्लीन करके यहाँ से प्रॉपर साफ़ कर लेना है। देन इस सिग्नल को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को हटाने के लिए आपको कैलिब्रेशन करना होगा। VTT से आप कैलिब्रेट करेंगे और ये सिग्नल हट जाएगा। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।